अच्छी नींद के लिए 12 टिप्स आज आपको मैं देने वाला हूँ ये वीडियो के माध्यम से। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक 40 साल की व्यक्ति मेरे पास में आई। उनको प्रॉब्लम था, नींद नहीं आती और अच्छी नींद नहीं आती। मतलब कितने साल से बोलो, मैं तो कम से कम 5 साल हो गए नींद ही नहीं आ रही। तो ऐसा नहीं होता कि 5 साल से नींद नहीं आ रही, उसको नींद आ रही है मगर उसको कम नींद आ रही है या रिफ्रेशिंग नींद नहीं है। नींद हर इंसान के लिए ज़रूरत है, ज़रूरी है। बदन के लिए मतलब बॉडी के लिए ज़रूरी है, बॉडी के स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। और नींद नहीं रहे तो तुरंत शारीरिक और मानसिक बीमारियां शुरू हो जाती है। तो उसको मैंने पूछा, व्यक्ति को, 40 साल का व्यक्ति, कि भाई क्या करते फिर आप? तो बोले मैं दवाई खा रहा हूँ और दवाई बंद करने की है। मैंने उसको बोला कि तुरंत आप दवा बंद कर डालो, तुरंत, ऐसा नहीं कि कम कम करते जाएंगे। और मैं जो बोलता हूँ आपको 12 टिप्स, वो आप 12 टिप्स में से उसका मतलब वो टिप्स फॉलो करो, आपका नींद आना शुरू हो जाएगा। तो ये बताइए, तो मैं उसको बताना चालू कर दिया कि भाई अच्छी और गहरी नींद के लिए क्या करना चाहिए। नंबर एक, शांत वातावरण में सोना है, जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है, शांत वातावरण है, वहाँ सोने का है। वातावरण ऐसा ठंडा होना चाहिए, मतलब बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, और एकदम हल्का सा लाइट होना जरूरी है अपने कमरे में। नंबर एक। नंबर दो, दिन का तनाव कम करने के लिए शाम को हल्का हल्का हल्के मतलब टीवी के कोई कार्यक्रम देखना, म्यूज़िक सुनना या गर्म पानी से स्नान करना, ऐसा करना जरूरी है ताकि दिन भर के जो स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस है वो उससे थोड़ा अलग हो जाएगा, अलग जोन में आप चले जाएंगे। फिर 3, 4 बजे के बाद में चाय कॉफ़ी बंद। 4, सोने के 1 घंटा पहले स्मोकिंग बंद। 5, रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 40 से 45 मिनट आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो नींद अच्छी आती है। फिर 6, सोने के पहले लुकवार्म दूध, हल्का सा गुनगुना दूध यदि पीते हैं, मतलब वार्म मिल्क, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। 7, दिन में सोने का नहीं कोई भी हालत में। लोग बोलते हैं हम सोते नहीं, हम सिर्फ लेटे रहते हैं। तो मैं हरदम बोलता हूँ कि गद्दी पर लेटना भी नहीं है, आड़ा भी नहीं होने का है, फ्लैट नहीं होने का है, बैठना है, तो दिन में सोने का नहीं है। 8, नौकरी और व्यापार के तनाव जो है वो घर के बाहर रखने की प्रैक्टिस करना, कि नौकरी के तनाव है, व्यापार के तनाव है, वो घर पर लाने का नहीं, वो घर के बाहर रखना है और अंदर आने का है। मतलब घर के तनाव नौकरी में नहीं, नौकरी के तनाव घर पर नहीं, वो सीखना पड़ेगा कि वहाँ का कुछ भी बात भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। 9, नींद आ रही है, ऐसा सुस्ती लग रही है, तभी बेडरूम में जाना, अदरवाइज बेडरूम में जाने का ही नहीं। फिर 10, बेडरूम के ऊपर अन्य कोई एक्टिविटी करना नहीं है, सिर्फ सेक्स और बेड, मतलब सेक्स और नींद, इसके लिए बेड का इस्तेमाल करना है। बाकी बेड के ऊपर बाकी कोई पढ़ना, टीवी देखना या बाकी कुछ वाद विवाद करना, झंझट करना, गपशप करना, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी बेड के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नींद आने के बाद में बेड के ऊपर जाना है या सेक्स करना है तो बेड के ऊपर जाने का है। फिर 11, 10 से 20 मिनट तक यदि आपको नींद नहीं आती है सोने के बाद, तो तुरंत उठ जाना, कमरे से बाहर आना, टहलना, कुछ पढ़ना, और जब सुस्ती लगे तभी नींद के लिए फिर अपने बेड के ऊपर जाने का है। ऐसा नहीं कि नींद नहीं आ रही और बेड के ऊपर बस इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे, एक एक घंटा हो रहा है और नींद नहीं आ रही, इंतज़ार कर रहे, ऐसा कभी नहीं करना है। 12, उठने का और सोने का समय जो है वो फिक्स कर लेना है, तो उससे वो रिदम जो है सर्कैडियन रिदम वो सेट हो जाता है ब्रेन में, और फिर उसे नींद जल्दी आती है, मालूम है उसको ब्रेन को कि कब सोना है और कब उठने का है। तो ऐसे 12 टिप्स है, ये व्यक्ति को मैंने 12 टिप्स उसको दिए, उसको बोला कि इसकी प्रैक्टिस करो और दवाई बिल्कुल बंद करो, क्योंकि जो दवाई है नींद के लिए वो दवाई का डोज जो है वो बढ़ाना पड़ते रहता है, दवाई का फिर बाकी भी असर ब्रेन के ऊपर होता है, ब्रेन को सुस्ती आती है, दूसरे दिन सुस्ती रहती है, काम में अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस नहीं होता, उसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स दवा के हैं, तो दवाई बंद करना जरूरी है उसको। इसके साथ साथ मैंने सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया कि गद्दी पर लेटने के बाद में पूरा रिलैक्स कैसे करना है और रिलैक्स करके खुद को सेल्फ सजेशंस कैसे ना नींद के, तो वो भी उसको सिखा दिया। कुछ दिन बाद में जब मुझे मिला, बोले अभी मेरा प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गया हूँ, मुझे भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, एकदम व्यक्ति पूरा का पूरा ठीक हो गए। तो ये नींद के जो टिप्स है अच्छी नींद के लिए, आप उसका पालन करते आपको भी बहुत अच्छी नींद आ जाएंगी।
बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद का प्रॉब्लम है, आप लोगों को शेयर करो, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके ग्रुप में शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो जरूर वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।